हेलो दोस्तों, तनाव हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। यह न सिर्फ हम पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दबाव बनाता है बल्कि सफलता भी दिलाता है। मगर जब यह गैर जरूरी चीज़ों पर भी जरूरत से ज़्यादा होने लगे तो मानसिक सेहत बिगड़ने लगती है। हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें होती है जो तनाव का कारण बन सकती है। अगर आपके अंदर भी ये 5 आदतें हैं तो आपको हमेशा टेंशन रहेगी। इसलिए तनाव को दूर रखने के लिए आपको जल्द से जल्द इन आदतों को सुधार लेना चाहिए और इन आदतों को सुधार कर आप पा सकते हैं टेंशन फ्री लाइफ। तो चलिए जानते हैं उन 5 आदतों के बारे में। नंबर 1, सोशल मीडिया का अधिक इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति अपना सबसे ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर ही बिता रहा है, इसलिए यह आदत काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। कई रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि सोशल मीडिया का अत्यधिक इस्तेमाल आपकी मानसिक सेहत के लिए बुरा हो सकता है। लोग सोशल मीडिया के पोस्ट, लाइक्स, फीडबैक को ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं और तनावग्रस्त हो जाते हैं। नंबर 2, कम नींद लेना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह नींद कम लेते हैं, जो कि तनाव का प्रमुख कारण हो सकती है। हमारे शरीर के लिए रोजाना 8 से 9 घंटे की नींद आवश्यक है। इस दौरान हमारा मस्तिष्क खुद को रिपेयर करता है और रिफ्रेश हो जाता है। अधूरी नींद से आपका मूड खराब रह सकता है और आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। नंबर 3, एक्सरसाइज न करना। एक्सरसाइज या वर्कआउट सिर्फ आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर नहीं बनाता है, बल्कि यह आपके शरीर के अंदर एंड्रोफिन हार्मोन का उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। यह हार्मोन तनाव व दर्द को कम करने में मदद कर सकता है, इसलिए अगर आपके अंदर एक्सरसाइज न करने की आदत है तो उसे तुरंत बदल लें। नंबर 4, ब्रेकफास्ट न करना। भारत में लोग ब्रेकफास्ट को काफ़ी कम महत्व देते हैं, लेकिन यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट से हमारे शरीर और दिमाग को पूरे दिन के लिए ज़रूरी पोषण मिलता है। वहीं नाश्ता करना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है नाश्ते में पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना। नंबर 5, पर्सनल और वर्क लाइफ को मिलाना। वर्क फ्रॉम होम ने लोगों के सामने एक नई चुनौती लाकर खड़ी कर दी है, जो कि पर्सनल और वर्क लाइफ को अलग अलग रखना है। वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ की अलग अलग तनाव और चुनौतियाँ होती है, लेकिन जब यह सब तनाव एक साथ मिल जाता है तो व्यक्ति के लिए इसे झेलना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके अंदर भी ये 5 आदतें हैं तो आई होप 5 के बाद आप इन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में बताई गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।